तो अभी हम काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं, तो इस प्लेस से हुआवी की डोंगल का जो प्लेस है जहाँ पर हमें हुआवी की डोंगल दो ऑलरेडी गाइस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं हुआवी यूएसबी टाइप डाटा कार्ड का वोडाफोन डाटा कार्ड के साथ। तो आज हम कंपैरिजन करेंगे इसके पास रह के, इससे दूर जाके, आउटडोर में, इंडोर में स्पीड टेस्ट होगा, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। तो इससे पहले मैंने हुआवी वर्सेज एंट्री की डोंगल, हुआवी वर्सेज कोकोनट की डोंगल सभी का कंपैरिजन कर रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं करी तो ऊपर आई बटन में ऐड कर दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो। एंड इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो यूएसबी टाइप डाटा कार्ड है हमारे पास हुआवी की एंड जो बैटरी वाली डोंगल है हुआवी की, दोनों का प्राइस ड्रॉप हो चुका है। तो मैंने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में इन दोनों का लिंक शेयर कर दिया है, तो आप जाके वहाँ से बाय कर सकते हो। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस पर आपको यूएसबी टाइप एंड हुआवी की बैटरी वाली डोंगल मिल जाएगी, तो आप जरूर बाय कर सकते हो, ये बेस्ट टाइम है बाय करने का। तो इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्राइस है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इसका प्राइस डबल हो जाए। 3000 की हमें ये यूएसबी टाइप डोंगल मिल रही है एंड 3300 के अप्रोक्स हमें जो बैटरी वाली डोंगल वो मिल रही है, तो जाके आप चेक जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो आज की। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये समझने में कौन सी डोंगल हमें ज़्यादा बढ़िया नेटवर्क एंड स्पीड प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पर हमने यूएसबी टाइप हुआवी की डोंगल में VA का सिम कार्ड लगा दिया है, तो इस डोंगल को हम ओपन ही रखेंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे स्पीड रिगार्डिंग। तो अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं हमारी हुआवी की डोंगल के साथ, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, गो। तो शाम का टाइम है, अभी 7 बज रहे हैं, तो शाम के टाइम में हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड देखने के लिए मिल रही है। VA का सिम कार्ड मैंने लगाया हुआ है अपने डोंगल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड आ रही है। तो अभी हम सेम सिम कार्ड को वोडाफोन डाटा कार्ड में लगा के अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, गो। ऑलरेडी गाइस, तो अभी हम चले जाते हैं इस डोंगल से दूर, तो फिर देखते हैं कितने डिस्टेंस पर हमें नेटवर्क मिलता रहता है। तो जब हमें दो सिग्नल देखने के लिए मिलेंगे तब हम करेंगे स्पीड टेस्ट, फिर देखेंगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपको इन केस डोंगल विजिबल नहीं होगी तो आप इस ट्री का एक गैस लगा सकते हो, उसके सामने मैंने इसको रखा हुआ है, तो आप इस ट्री को देख के एक गैस लगा सकते हो कहाँ पर हमारी डोंगल पड़ी हुई है, क्योंकि मैं स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा क्लैरिटी मे भी आपको ना मिल पाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं इससे दूर, और तो ऑलमोस्ट 100-150 फीट की दूरी पर जाने के बाद हमें वोडाफोन डाटा कार्ड ने एक सिग्नल ड्रॉप करके दे दिया है। तो अभी और दूर चले जाते हैं, तो फिर देखते हैं जब हमें दो सिग्नल मिलेंगे तभी हम करेंगे स्पीड टेस्ट अगेन। तो अभी हम काफ़ी दूरी पर आ चुके हैं, जो आप ट्री देख सकते हो वो वाला, उसकी बगल में मैंने यहाँ पर डोंगल रखी हुई है। तो अगर आपको डोंगल विजिबल ना हो पाए तो आप वो ट्री का एक गैस ले सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मेरे स्मार्टफोन पर दो सिग्नल मुझे ड्रॉप हुए मिल जाते हैं, कभी कभार तीन हो जाते हैं एंड कभी कभार दो सिग्नल मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी दूरी पर हूँ, तो चलो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, हियर वी गो। ऑलमोस्ट हाफ स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हो चुकी है, डाउनलोड भी एंड अपलोड भी, एंड मेरे स्मार्टफोन पर दो सिग्नल मुझे प्रॉपरली मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मार्क लगा दिया है, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी ये जानने में कि
कि वोडाफोन डाटा कार्ड हमें कितना नेटवर्क प्रोवाइड कर रही होगी। तो क्योंकि अभी हम जा रहे हैं उसके पास, तो उसके बाद हम हुआवे की डोंगल में सिम कार्ड को लगा के तो फिर से उससे दूर आने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे हमें किस प्लेस पे आके वोडाफोन डाटा कार्ड दो सिग्नल प्रोवाइड करेगा एंड स्पीड क्या प्रोवाइड करेगा। तो चलो चलते हैं इसके नज़दीक। तो अभी हम हुआवे की डोंगल के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, तो चलते हैं इससे दूर तो फिर देखेंगे कि हुआवे की डोंगल हमें कितना नेटवर्क प्रोवाइड करती है एंड दो सिग्नल हो जाने के बाद हमें क्या स्पीड मिलती है। तो ऑलमोस्ट 100 फीट की दूरी पर हमें हुआवे की डोंगल ने एक सिग्नल ड्रॉप कर दिया है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़रा बेकार परफॉर्मेंस है हुआवे की डोंगल की अगर हम आउटडोर में जाके इसको टेस्ट करते हैं। एंड गाइस मैं आपको ये भी बता दूं कि USB टाइप डोंगल हमें उतनी ज़रा बढ़िया स्पीड एंड नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती जितनी बढ़िया एक बैटरी वाली डोंगल प्रोवाइड कर देती है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमाल का रिज़ल्ट प्रोवाइड किया है हमारी हुआवे की USB टाइप डोंगल ने। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि हुआवे की जो USB टाइप डोंगल है वो इतना ज़्यादा बढ़िया हमें आउटडोर में नेटवर्क प्रोवाइड नहीं करती। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टिल हमें दो सिग्नल मिल रहे हैं, कभी कभार वो भी तीन हो जाते हैं। तो जो डिस्टेंस है ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमारी वोडाफोन डाटा कार्ड ने हमें प्रोवाइड किया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना और ज़्यादा वोडाफोन डाटा कार्ड ने डिस्टेंस प्रोवाइड किया था अगर हम कंपैरिजन करते हैं हुआवे की USB टाइप डोंगल में। तो उससे पहले हम कर लेते हैं स्पीड टेस्ट शुरू। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें दो सिग्नल मिल रहे हैं हुआवे की डोंगल के, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू गो। तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी ज़रा बढ़िया स्पीड, इवन हमें ज़्यादा ही स्पीड मिल रही है वोडाफोन डाटा कार्ड से। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड किया है हुआवे की डोंगल ने, सिर्फ ही काफ़ी ज़्यादा कमाल का रिज़ल्ट है एंड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल रही है हमें हुआवे की डोंगल में। हो सकता है इवनिंग टाइम है, इवनिंग टाइम पर हमें जो सभी नेटवर्क में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड मिलने लग पड़ती है। तो अगर हम वोडाफोन डाटा कार्ड की बात करें तो जिस प्लेस पर मैं खड़ा हूँ तो उसके ऑलमोस्ट बैक साइड पर अगर हम देखें तो वो रहा वोडाफोन डाटा कार्ड का ये प्लेस है, मैं आपको दिखा देता हूँ जाके। तो ये रहा हमारा वो प्लेस जहाँ पर वोडाफोन डाटा कार्ड ने हमें दो सिग्नल प्रोवाइड किए थे। तो इस प्लेस से हुआवे की डोंगल का जो प्लेस है जहाँ पर हमें हुआवे की डोंगल ने दो सिग्नल प्रोवाइड किए एंड काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड प्रोवाइड करी, तो इसमें अगर डिस्टेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 10-15 स्टेप ही हमें कम जो नेटवर्क देखने के लिए मिला हुआवे की डोंगल में। तो अभी हम चले जाते हैं इंडोर में, तो वहाँ पर जाके करेंगे स्पीड टेस्ट, फिर देखेंगे हमें क्या स्पीड रिजल्ट मिलता है। तो चलो अभी चलते हैं इंडोर में। तो अभी हम आ चुके हैं इंडोर में, तो अभी मैंने अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर लिया है हुआवे की डोंगल के साथ, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू गो। तो अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं अपनी वोडाफोन डाटा कार्ड के साथ, तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू हियर वी गो। तो अभी हम चले जाते हैं इस डाटा कार्ड से दूर अपने दूसरे रूम में। तो मैंने आज तक जितनी भी डाटा कार्ड के साथ कंपैरिजन वीडियो बनाई है
तो सभी में मैंने सेम डिफरेंस रख के ही कंपैरिजन वीडियो बनाई है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए ये समझने में कि जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने दूसरे रूम में, तो टेबल पे स्मार्टफोन को रख के मैं स्पीड कंपैरिजन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारी वोडाफोन डाटा कार्ड है हमारे दूसरे रूम में हमें दो सिग्नल प्रॉपरली प्रोवाइड कर देती है। तो चलो अभी करते हैं स्पीड टेस्ट, तो देखते हैं हमें कितनी स्पीड मिल जाती है दो सिग्नल पर। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हमें स्पीड हमारे दूसरे रूम में जाने के बाद भी हमें देखने के लिए मिली। तो वोडाफोन डाटा कार्ड में जो हमारी स्पीड है काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक मिल जाती है इनडोर में। आउटडोर में तो हमें इतनी ज़्यादा बढ़िया स्पीड देखने के लिए नहीं मिली जब हम इस डोंगल से दूर चले गए थे। तो यहाँ पर 5.73 की डाउनलोड एंड 6.93 की अपलोड स्पीड, तो काफ़ी ज़रा बढ़िया स्पीड रिज़ल्ट हमें वोडाफोन डाटा कार्ड ने प्रोवाइड कर दिया हमारे दूसरे रूम में। तो एक बार और देख लेते हैं कि जो वोडाफोन डाटा कार्ड है कितनी हमें स्पीड प्रोवाइड कर देता है अगर हम इसको इनडोर में यूज़ करते हैं। तो अगेन हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड रिज़ल्ट प्रोवाइड किया है वोडाफोन डाटा कार्ड ने। आई होप कि आपको अभी क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप वोडाफोन डाटा कार्ड को बाय करते हो तो इनडोर में आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्पीड मिल जाएगी। जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो तो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, दूसरे रूम में हमें सिर्फ दो सिग्नल ही देखने के लिए मिलते हैं, जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो भी हम स्पीड टेस्ट कर लेते हैं अपनी हुआवी की डोंगल पर कि वो हमें कितनी स्पीड प्रोवाइड करती है। तो अभी हम कनेक्ट कर चुके हैं अपने स्मार्टफोन को हुआवी की डोंगल के साथ, तो आप देख सकते हो कभी कभार हमें दो सिग्नल एंड कभी कभार एक सिग्नल ही देखने के लिए मिलता है। तो स्पीड क्या मिलेगी हुआवी की डोंगल में तो वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो करते हैं स्पीड टेस्ट शुरू, गो। तो चाहे हमें हुआवी की डोंगल में वोडाफोन डाटा कार्ड के कंपैरिजन में कम सिग्नल देखने के लिए मिले, बट जो स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर थी जो हमें वोडाफोन डाटा कार्ड ने प्रोवाइड करी, ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड हमें हुआवी की डोंगल में देखने के लिए मिली। तो इस कंपैरिजन वीडियो में हमें हुआवी की USB टाइप डोंगल ने वोडाफोन डाटा कार्ड से कुछ बेटर परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करी है अगर हम स्पीड रिगार्डिंग बात करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, आई नो। का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मेरे YouTube चैनल पर आएगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी डोंगल आपको बाय करनी चाहिए एंड कौन सी डोंगल आपको इग्नोर कर देनी चाहिए। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। पीस आउट।